अस्सलाम वालेकुम बेटे, ये जो पिछली वीडियो बनाई थी अब उसकी कंटिन्यूएशन है। ये दूसरी वीडियो है उसके, उसको लेके कोरोना वायरस या बाकी तमाम जो दूसरे वायरसेस हैं या कुछ और भी बातें हैं, वैक्सीन को लेकर बातें हैं, उस पर ये काम करना था या उस पर वीडियो बनानी थी। अच्छा देखो, पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि ये जो वायरस है ये ट्रांसमिट होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। इसके अलावा मुख्तलिफ़ और भी वायरसेस आए हैं जो इससे ज़्यादा पेंडेमिक थे, या उनमें भी जो मरने वाले लोग थे उनका रेट बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा लोग मर गए थे। इसके अलावा पिछले उसमें ये बात करी थी कि ये जो वायरस है ये वायरस ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, और फिर इसके अलावा जो दूसरे किताबें हैं या नॉवेल्स हैं जिनमें इनकी बात आई है कि उनको कैसे मालूम कि ये वायरस बाद में चल के दोबारा से आएगा या इस वक्त होने वाला है 2020 में या आने वाले कुछ सालों में ये वायरस आ जाएगा। तो देखो, 1918 में एक वायरस था H1N1 वायरस। ये इसने अपने अंदर कुछ म्यूटेशन करी थी, ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस भी कहलाता है, उसकी सब टाइप है H1N1। इसने एक बीमारी कॉज करी थी पूरी दुनिया में, वो भी उस वक्त की पेंडेमिक कंडीशन थी। वो जो वायरस था वो H1N1 था, और जो बीमारी थी वो स्पेनिश फ्लू के नाम से मशहूर है। अच्छा, ये जो स्पेनिश फ्लू है ये मैंने ऐसा टाइम बताया 1918 से लेके 1920 तक ये वायरस था, ये बीमारी चली थी और तकरीबन 2 साल, और उस वक्त इसमें जो लोग मरे थे वो तकरीबन 17 से लेके 50 मिलियन लोग मर गए थे, 17 से 50 मिलियन लोग। इसके अलावा जो अफेक्ट किया था इसने 500 मिलियन लोगों को अफेक्ट किया था 1918 में, 500 मिलियन लोगों को, और उस वक्त 17 मिलियन से लेके 50 मिलियन लोग मरे थे इस बीमारी से, स्पेनिश फ्लू से। ये जो टाइम फ्रेम है इसमें World War I चल रही थी, तो अक्सर ये भी तमाम मुल्कों में फैल गया था, लेकिन बाकी तमाम मुल्कों ने इसको रिपोर्ट नहीं किया था। लेकिन जो स्पेन है उन्होंने, उनके न्यूट्रल मीडिया था, उन्होंने अलाउ किया कि इसको भाई बताएं इसके बारे में, तो उन्होंने उस वक्त रिपोर्ट किया था, इसलिए इसको स्पेनिश फ्लू के नाम से मशहूर कर दिया। उसमें भी यही कंडीशन हो रही थी, ये लंग्स को अफेक्ट कर रहा था, और एक तरह का स्टॉर्म आता है साइटोकाइन स्टॉर्म, जिसमें तमाम एक सेल पहले इन्फ्लेम होता है, फिर वो दूसरे सेल को इन्फ्लेम करता है, फिर वो तीसरे सेल को इन्फ्लेम करता है। तो बहुत सारे सेल्स इन्फ्लेम होते गए थे बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हो रहा था। सबसे पहले लंग फेल होते थे, फिर बाद में तमाम ऑर्गन्स फेल होते थे, जिससे इंसान कोलैप्स कर जाता था या सेप्सिस में चला जाता था, और फिर कोई ऑर्गन काम नहीं करता तो अल्टीमेटली डेथ हो जाती है इंसान की। तो ये उस वक्त ही हुआ था 1918 में। आपने एक किताब अभी रिसेंटली देखी होगी सिल्विया ब्राउन, जिसमें अक्सर बच्चे मुझे है ना उसकी एक मार्क करके देते हैं, उसका एक पैराग्राफ के इस ईयर में जो है ये बीमारी होगी। आपको मालूम है सिल्विया ब्राउन की किताब अगर आपने पढ़ी है, वो सिर्फ 4 लाइनें नहीं, पूरी किताब अगर आपने पढ़ी है तो उसमें कोई 100 से ज़्यादा ऐसी बातें जो उसने प्रिडिक्ट करी कि ये होंगी। हालांकि उसकी इतनी सारी बातों में से अब ये वाली बात सही हो गई, तुक्का लग गया, अब ये वाली बात सही हो गई तो सारे लोग जो है ना उसको लेके बैठ गए। इसकी मिसाल एक और है, जैसे बिलफर्ज मैं एक बात करूं कि भाई 2020 में जो है 2025 में सॉरी 5 साल बाद 2025 में बिलफर्ज पाकिस्तान की करेंसी जो है वो बहुत ऊपर चली जाएगी, बाकी तमाम ममालिक को पीछे छोड़ देगी, या बिलफर्ज मैं कहूँ कि भाई पाकिस्तान जो है वो इसमें हाई राइज बिल्डिंग्स तो बन रही हैं, इससे ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगी या और कोई तरक्की करेगा पाकिस्तान, इस तरह की बातें करूँ 4-5। अब उसमें से कोई एक बात सच हो जाए तो क्या वो मेरी और बाकी की जितनी बातें मैंने करी वो सब गलत हो जाएँ? तो मेरी जो सही की भी बात होगी कि आप सिर्फ उसको लेके मानेंगे? नहीं ना, बाकी तमाम चीज़ों को भी तो तजिया करेंगे ना। इसी तरह जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं, ये जो हाथ देख के या सितारे चांद देख के जो है बताते हैं लोगों के भाई आपके साथ फ्यूचर में ये होगा वो होगा, उनकी 100 बातें गलत होती हैं, एक बात किसी की सही हो जाती है अगर, तो क्या आप उसको बिलीव करना शुरू कर देंगे कि इसने जितनी बातें करी हैं वो सही हैं?
यानी कि ये तो प्रेडिक्शन है ना, प्रेडिक्शन कैन बी रॉन्ग कैन बी ट्रू। अब उसमें से अगर 100 प्रेडिक्शन करी एक सही हो गई तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको पहले से मालूम है, वो तुक्के मारे कोई लग गया लग गया, ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है। एक और चीज़, एक और बात कि बिलफर्स किसी इंसान में अगर 100 अच्छाइयाँ हैं और एक बुराई है तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लोग उसकी एक बुराई को इतना पोर्ट्रेट करते हैं, इतना प्रोपेगेट करते हैं कि वो उसकी बुरी पिक्चर दिखाने की कोशिश करते हैं, बाकी लोग भी मानना शुरू कर देते हैं हाँ भाई ये बुरा ही बुरा ही होगा, हालांकि उसकी 100 अच्छाइयाँ जो है ना वो ज़ाया कर देते हैं। सेम इसी तरह से इस किताब की भी है, ओलिविया, ये जो सिल्विया ब्राउन की किताब है या और लोगों ने जो प्रेडिक्शन करी किताबों में, वो भी बात ऐसी ही है, तुक्का है वो। अब वो लग गया जो लोगों ने उसकी बात करना शुरू कर दी। और फिर साइंस तो ये बात करती है ना कि जानदारों में म्यूटेशंस होती हैं, तो सेम इसी तरह से म्यूटेशंस जानदारों में होती हैं और वो फिर जो पहले भी बीमारियां कॉज कर चुके हैं उनमें और म्यूटेशंस होंगी तो आने वाले वक्त में वो दोबारा हैं, क्योंकि अर्थ पे तो है ना वो अभी भी स्टिल किसी ना किसी इनएक्टिव फॉर्म में है, लेकिन है। तो इस वजह से ये जो सिल्विया ब्राउन की बात है या इस तरह के और भी जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये बात करी है, वो सिर्फ इस पहलू में करी है, इस पस मंज़र में करी है कि भाई जो पहले भी वायरसेस आए थे उन्होंने भी बीमारियां कॉज करी थी तो अब ये आने वाले वक्तों में भी आ सकते हैं। जैसे भी आपने रिसेंटली WHO को देखा होगा, उन्होंने कहा कि भाई अब हर साल आएगा कोरोना वायरस, क्योंकि उनको मालूम है भाई एक दफ़ा म्यूटेशन कर ली तो आने वाले वक्त में भी म्यूटेशन कर सकता है, ये तो दोबारा आ सकता है, दोबारा बीमारी फैला सकता है। तो ये बातें कहना तो बिल्कुल फिजूल है, बकवास है ये सब, कि ये जो है फलां शख्स को मालूम था कि ये होने वाला है या फलां को मालूम था ये होने वाला है। अच्छा, मैं स्पेनिश फ्लू की बात कर रहा था, तो ये स्पेन से फैला था और इतने ज़्यादा लोग मरे थे देखो उसके अंदर, और उसमें भी रिस्पायरेटरी ऑर्गन का फेलियर हुआ था या बाकी के मल्टीपल ऑर्गन का फेलियर हुआ था, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा जो था इतने ज़्यादा जो लोग थे वो मर गए थे। इसके अलावा एक और भी बीमारी है जो कि इसी वायरस जिसने स्पेनिश फ्लू कॉज किया था उसने ही की बीमारी 2009 में, और एक साल ये बीमारी चली 2009 से 2010 तक, और इस बीमारी में भी 700 मिलियन लोग या 700 मिलियन से या 700 मिलियन से 1.4 बिलियन तक लोग अफेक्टेड हुए थे, जबकि उस वक्त की आबादी जो थी वो ऑलमोस्ट 6.3 बिलियन थी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे लोग अफेक्ट हुए थे और 1.5 लाख से तकरीबन 5,75,000 लोग मर गए थे 2009 से 10 में, एक साल के अंदर। उस बीमारी का नाम था स्वाइन फ्लू, स्वाइन पिक को कहते हैं, वहाँ से बीमारी थी स्टार्ट हुई थी, वो ट्रांसमीटर था, इंसान फिर एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होती चली गई। और उसमें भी जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हैं या रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हुआ था लोगों को, उनके लंग्स फेल हो गए थे, लंग्स ने सही तरह काम नहीं किया था, और मॉर्टेलिटी रेट उसमें भी बहुत ज़्यादा हाई था, वो भी पेंडेमिक कंडीशन थी, सेम वायरस था H1N1, ये इन्फ्लुएंजा ए वायरसेस की टाइप है, जो दूसरा वायरस था जिसने फर्दर फिर अपने अंदर म्यूटेशन करी, ऑलमोस्ट तकरीबन 100 साल कमोबेश इतने अरसे के बाद वो दोबारा आया और उसने फिर म्यूटेशन करके इंसानों में बीमारी करी दोबारा। तो देखो ये दोबारा आई 2009 में ये बीमारी स्वाइन फ्लू के नाम से। तो इस तरह की बीमारियां बार बार आती रही हैं, कोई नई चीज़ नहीं है ये। मेरा बार बार ये बात करने का मकसद या वो यही है कि इस तरह की बीमारियां, ये जो वायरसेस हैं, एक दफ़ा जब हैं दुनिया में तो ये अपने अंदर जब चेंजेस करते हैं, चेंजेस करने के बाद फिर ये दोबारा अफेक्ट कर सकते हैं इंसानों को। इसी तरह से अब ये जो कोरोना वायरस है, अल्लाह करे कि भाई इसकी जो दवाई है वो हमें मिल जाए, साइंटिस्टों को मिल जाए और इलाज हो जाए, लेकिन इस चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते कि आने वाले सालों में ये दोबारा नहीं आएगा। दोबारा क्या पता इसने अपने अंदर म्यूटेशन कर दिया और स्प्रेड होना शुरू हो गया। अभी तो ये जो वायरस है, कोरोना वायरस जो है, ये तो एक अफेक्टेड इंसान से जिसमें सिम्टम भी नहीं है वो ट्रांसमिट कर पा रहा है ना दूसरे इंसानों को, लेकिन जो पहली बीमारियाँ गुजरी हैं, ऐसे मैंने नाम लिया ये स्वाइन फ्लू का नाम लिया, स्पेनिश फ्लू का नाम लिया, ये तो वो बीमारियां थी जो अफेक्टेड इंसान है जिसमें सिम्टम नज़र आ गए हैं फिर वो दूसरे इंसान को ट्रांसमिट करता था। ये वाला वायरस इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि बगैर अपेयरेंस ऑफ सिम्टम के आप ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। और देखो, कुदरत के हर कामों में बेहतरी है, अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी है, ये ज़्यादा बड़े पैमाने पर अफेक्ट कर सकता था अगर हवा के ज़रिए ट्रांसमिट होता ये। अभी हवा के ज़रिए ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, ये जो हम स्नीजिंग करते हैं उसमें जो लिक्विड ड्रॉपलेट निकलते हैं वो अगर चले जाएं तो हो रही है बीमारी, या बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हो रही है बीमारी, हवा से ट्रांसमिट नहीं हो रही है ये। तो कहीं ना कहीं इसके अच्छे पहलू भी हैं, बुरे तो हैं ही बेटे। अच्छा, एक बात तो ये सारी थी जो पिछली वीडियो से लिंक बात थी सारी की सारी जो मुझे आपसे इसमें करनी थी। इसके अलावा एक और बात भी है कि जो पॉसिबल हल हो सकता है, या वैक्सीन्स की बात करें अगर, तो देखो वैक्सीन्स होती क्या है,
दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो इस वीडियो में करनी थी, वैक्सीन क्या होती हैं। वैक्सीन हर उस किस्म के केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं जो कि किसी जानदार किसी इंसान की बॉडी में जाए और इंसान की बॉडी में जाकर उसके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करे या इम्यून सिस्टम को केपेबल बनाए कि वो आने वाली बीमारियों से लड़ सके। इस चीज़ को वैक्सीन कहते हैं। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एडवर्ड जेनर। इन्होंने सबसे पहले ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था वैक्सीन का। तो उनके उसके बाद फिर ये चीज़ें आगे चलती गई, मुख्तलिफ साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने अलग अलग वैक्सीन बनाई। जैसे एक साइंटिस्ट था उसका नाम था सॉल्क, SALK सॉल्क, उसने पोलियो की वैक्सीन बनाई थी। तो ये वैक्सीन मैंने कहा केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो किसी भी इंसान की बॉडी में आने के बाद उसके इम्यून सिस्टम को प्रिपेयर करते हैं उस बीमारी के लिए जो पॉसिबल हो सकती है उसको, यानी कि इम्यूनिटी को क्रिएट करते हैं। इम्यूनिटी सलाहियत को कहते हैं जो किसी भी इंसान के अंदर होती है बीमारियों के खिलाफ या बीमारियों से लड़ने की। वैक्सीन्स की टाइप्स हैं बहुत सारी। एक टाइप जो है वैक्सीन्स की वो डीएक्टिवेटेड वैक्सीन्स कहलाती हैं। डीएक्टिवेटेड वैक्सीन्स क्या होती हैं, जिसमें हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को फॉर्मलिन के सोल्यूशन में या हीट देकर उसको मार देते हैं, यानी कि डीएक्टिवेट कर देते हैं, और फिर मरा वो ऑर्गेनिज़म हम किसी इंसान की बॉडी में डालते हैं तो हमारे जो सेल्स हैं वो उस पर जाके रिएक्ट करते हैं। उनको पता चलता है कि भाई अच्छा ये किस तरह का है, वो इनिशिएट करते हैं इम्यून सिस्टम को, जिससे हमें पता चल जाता है कि अगर हकीकत में ऐसा कोई जानदार आया तो हमें कैसे लड़ना है, हमें पहले मालूम नहीं था, तो इस तरह से हमने वो इम्यूनिटी क्रिएट करी। तो पहला तो था डीएक्टिवेट वैक्सीन। डीएक्टिवेटेड जो होते हैं वो मरे हुए ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, वायरसेस या बैक्टीरिया, जो इंसान की बॉडी में डाले जाते हैं जिससे उनका इम्यून सिस्टम प्रिपेयर होता है। दूसरे होते हैं एन्यूएटेड। एन्यूएटेड क्या होते हैं, एन्यूएटेड का मतलब है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जानदार है, वायरस जिंदा है, बैक्टीरिया जिंदा है, लेकिन उसकी इस कैपेबिलिटी को कि वो बीमारी फैलाए ये कैपेबिलिटी उसमें से ख़त्म कर दी जाती है। ये लैब्स में जानदारों की वायरसेस और बैक्टीरिया की उस एबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं जिससे वो बीमारी फैलाएं किसी जानदार में आगे, और फिर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हम किसी इंसान की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म इंजेक्ट करते हैं उस इंसान की बॉडी में, फिर हमारे सेल्स सेम वही करते हैं, उसको मारते हैं, सीखते हैं कि कैसे मारें। तो अगर वो ऐसा ऑर्गेनिज्म बॉडी में आएगा तो हमारे सेल्स को पहले से प्रिपेयर्ड हुए होंगे वो सेल, और फिर उसको ईजिली मार सकेंगे। दूसरे तो ये टाइप है। लेकिन जो एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स हैं और जो डीएक्टिवेटेड हैं उनमें देखो एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि डीएक्टिवेटेड में तो मरा हुआ ऑर्गेनिज्म है, एन्यूएटेड में मरा हुआ नहीं है, जिंदा है, लेकिन उसकी इस कैपेबिलिटी को ख़त्म किया। इसमें ख़तरा ये होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म जिसमें से हमने उसकी कैपेबिलिटी को ख़त्म किया था, क्या पता वो अपने अंदर और चेंजेस कर ले और वो बीमारी फैला दे। तो देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क इन एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स। इसके अलावा तीसरी टाइप जो है वो सब यूनिट वैक्सीन्स होती हैं। सब यूनिट वैक्सीन्स वो वैक्सीन्स होती हैं जिसमें हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट, कोई टुकड़ा, वो हम किसी इंसान में डालते हैं ताकि उसके इम्यून सिस्टम को पता चल सके कि भाई अच्छा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसका पार्ट ऐसा है तो ये कैसा होगा, और फिर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ट्रिगर करता है और हम सीखते हैं कि हम इसको कैसे मारें। तो तीसरी टाइप की सब यूनिट्स जिसमें कोई टुकड़ा डालते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। चौथी टाइप है टॉक्सोइड्स। टॉक्सोइड्स क्या होते हैं, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वो केमिकल टॉक्सिक सब्सटेंस जो किसी इंसान की बॉडी में आकर उसके अंदर तबाही कॉज कर सकते हैं। हम ये लेते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के उसके टॉक्सिक सब्सटेंस लेते हैं और फिर उसको केमिकल सब्सटेंसेस के साथ मिलाकर, मतलब उसकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म करके फिर हम किसी इंसान की बॉडी में डालते हैं ताकि हमारे सिस्टम के सेल्स को पता चल सके कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब आएगा तो उसके क्या टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे, तो हमारी बॉडी पहले से प्रिपेयर्ड हो जाएगी। तो चौथी टाइप थी टॉक्सोइड। पाँचवीं टाइप जो है वो कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेटेड वैक्सीन जो होती हैं वो वैक्सीन होती हैं जिसमें हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस और बैक्टीरिया उसको कोई पार्ट, जैसे उसकी कोई मेम्ब्रेन का पार्ट वो लेते हैं और उसको कार्बोहाइड्रेट के साथ या प्रोटीन के साथ मिलाकर हम बॉडी में डालते हैं ताकि बॉडी सेम वही बात बॉडी प्रिपेयर हो सके और मारने में आसानी हो सके किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। इसके अलावा एक DNA है या और भी टाइप्स हैं, वो सब अभी रिसर्च की बेस पे हैं तो कोई कन्फर्म उसके जो रोल हैं वो हमें नहीं मालूम है। तो ये तो वैक्सीन्स की बात थी, ये दूसरी बात मुझे करनी थी। तो बेटे ये देखो दो चीज़ें करी मैंने इस वीडियो में, एक तो दूसरी बीमारियों के बारे में भी बताया और ये इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जो लोगों का गलत है कि जो है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता या किसी को कैसे मालूम है या इससे पहले कौन सी बीमारियां आई हैं। इसके अलावा तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आखिर में बस इस वीडियो के, देखो बहुत सारी बातें मिथ्स किसको कहते हैं, मिथ्स हर उन
हर उस चीज़ को कहते हैं जो चीज़ फॉल्स हो, जिसकी कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ना हो, जिसके बारे में मालूम ना हो, लोगों ने बात कह दी किसी के बारे में, मतलब ये गड़ी हुई बातें हैं, इनका कोई सबूत नहीं है। जैसे कि अब इस बीमारी को, कोरोना वायरस को लेके बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि भाई ये जो गर्मी में ये जो है ये वायरस ख़त्म हो जाएगा। तो आपको मालूम है जब ये बीमारी शुरू हुई ब्राज़ील में और सिंगापुर में, तो वहाँ पे टेम्परेचर 42 और 41, 39 ये टेम्परेचर था, यानी कि बहुत गर्मी थी। इसका मतलब है गर्मी का कोई असर नहीं है इस वायरस पे। इसके अलावा लोग कहते हैं भाप लें, भाप लेने से भी कुछ नहीं होगा, भाप क्या करेगी, इस ऑर्गेनिज्म को मार थोड़ी सकती है, क्योंकि ये हीट का क्या अफेक्ट है इसके ऊपर, इसका कोई अफेक्ट नहीं होगा, ये हीट कोई अफेक्ट नहीं कर पाएगी इस वायरस को, या भाप कोई अफेक्ट नहीं कर पाएगी इस वायरस को, तो इस तरह की चीज़ें। फिर इसके अलावा पाकिस्तानी जो हैं, हम अपने दिल को खुद इत्मीनान देने की कोशिश करते हैं ना, हमारे लोग तो ऐसे वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तानियों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, या ऐसी जगहों पर रहते हैं जिसकी वजह से इसका असर नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं, कोई एक्सपेरिमेंटली प्रूवन बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, यहाँ टेस्ट इतने नहीं हुए, अगर टेस्ट हो जाते तो आपको भी पता चलता कि कितने ज़्यादा लोग जो थे वो इससे अफेक्टेड थे, या कितने ज़्यादा लोग इससे अफेक्टेड हैं। तो हमारी इम्यूनिटी बाकी लोगों जैसी ही इम्यूनिटी है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो ये सारी जो बातें हैं बेटे, ये मनगढ़ंत बातें हैं। WHO की वेबसाइट है, आप लिख के सेंड करेंगे, वो आपको भेजेंगे कि कौन कौन से मिथ बस्टर्स नाम से है उनका एक ऑप्शन, वो आपको बताएंगे कि भाई क्या क्या चीज़ जो है इसको लेके गलत बातें हैं या मिथ्स हैं जो, या फॉल्स एक्यूजेशंस हैं, ये बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा। तो लोगों ने खुद ने बनाई हुई बातें हैं वो सारी की सारी। तो बेटा ये देखो, ये तीन चीज़ें हो गई, एक तो जो ओल्ड डिजीज़ आई हैं वो, इसके अलावा वैक्सीन्स, और तीसरी बात ये मिथ्स। आखिर में कभी भी कोई बात करने से पहले आपको रिसर्च करनी पड़ती है, या उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ हो रही है तो कैसे हो रही है। खुद ही खुद फॉरवर्डेड मैसेज देखकर, या किसी ने कोई बात कही आपने आगे फैला दी, फॉरवर्ड मैसेज आया आपने सोशल मीडिया पे देखा और उस चीज़ को फौरन आगे कर दिया, इस चीज़ से बेटे अवॉइड करो, क्योंकि ये चीज़ें इंतहा ही ख़तरनाक हैं। हम पढ़े बगैर काम करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर अवॉइड करते हैं ना, मतलब मुश्किल काम को करने से, मुश्किल काम कौन करेगा, पढ़ेगा कौन, ये तो हमसे होता ही नहीं है, तो ये पढ़ने का काम कहाँ होगा हमसे। जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे, उसको जानेंगे नहीं, किताबें नहीं पढ़ेंगे, तो आपको हकीकत पता नहीं चलेगी। तो कोई भी बात सुनने के बाद उसको आगे फैलाने से पहले उसके बारे में जान लो, सही है बेटे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी इंशाअल्लाह। अब नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी तो मैं पहले से बताऊँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।